एक सौ इक्कीसवां जन्मदिन है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और जम्मू कश्मीर के आंदोलन में वो जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे और उस आंदोलन में उन्होंने अपनी शहादत दी थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा ही मार्गदर्शक थे। दो विधान, दो प्रधान, दो निशान ना रहे, भारत की एकता खंडता के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। 1953 से लेकर भारतीय जनता पार्टी उनके संघर्ष को आगे लेकर काम करती रही है और 5 अगस्त 2019 को उनके सपनों को भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 और 35 से तोड़कर पूरा किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज अपने उन परिवारों से, लगभग 170 परिवार जिन्होंने उस संघर्ष के अंदर अपने परिवारों में से किसी को खोया है, समय दिया है, खून दिया है, क्षति हुई है, उनको यहाँ बुलाकर आज सम्मानित भी किया गया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी ने एक एक परिवार को यहाँ स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित भी किया। सर, गुप्कार अलायंस ने एक मंच पर एकत्रित होकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया, भाजपा ऐसा एक गुप्कार अलायंस फेल अलायंस है, वो एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन डीडीसी चुनाव में भी बना था और वो गठबंधन डीडीसी चुनाव में ही फेल हो गया था। लोग ना तो अब्दुल्ला एंड सन्स को पसंद करते हैं, ना मुफ्ती एंड सन्स को पसंद करते हैं। ये दोनों परिवार और कांग्रेस, इन तीन परिवारों ने मिलकर जम्मू कश्मीर के खिलाफ षड्यंत्र भी किया और जम्मू कश्मीर की संपदा, जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को लूटा है। इसलिए ये इकट्ठे मिल जाएं, अलग अलग हो जाएं। जिस तरह डीडीसी चुनाव में फेल हुए थे, बीडीसी चुनाव में फेल हुए थे, पंचायत चुनाव में फेल हुए थे, आगे भी ये फेल ही होने वाले हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी जम्मू कश्मीर की जनता के मन से निकल चुकी है और अब भारत की और जम्मू कश्मीर की जनता टेररिज्म को पालने वाले पाकिस्तान, चाइना के गाने गाने वालों को पसंद नहीं करेगी।